हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमेशन पैनल है, उसके कीबोर्ड हैं, उसका मतलब क्या क्या होता है और कैसे वो फंक्शन करता है। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ हम आज बताएंगे। CP45 यही दोस्त अप्लीकेबल होता है CP30 के लिए भी, और रिमेनिंग जितने भी बैचिंग प्लांट हैं उन सभी के लिए। तो आप डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में देखिए और लास्ट तक मिस मत कीजिएगा अगर आप इस फील्ड में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CP45 बैचिंग प्लांट कंट्रोल पैनल, तो सारा ऑपरेटिंग पैरामीटर, कौन कौन सा बटन है वो सारा पाल जी समझाएंगे। फर्स्ट ये हो गया आपका गेट के लिए, चार गेट का ऑप्शन है। ओके, गेट वन में हो गया आपका 40 mm, गेट टू में कॉमन है, ये सैंड के लिए यूज करना पड़ेगा। गेट नंबर टू स्पेशली सैंड के लिए, स्पेशली सैंड के लिए, क्योंकि इसमें आपका वाइब्रेटर लगा हुआ है। वाइब्रेटर ऑन कंडीशन है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा? नहीं, वो आपका है, जब सैंड नहीं गिरेगा तभी वो आपका ऑटोमेटिक वाइब्रेटर स्टार्ट होगा। अच्छा, नहीं तो वो बंद रहेगा? नहीं तो बंद रहेगा। ओके, ऑटोमेटिक में स्टार्ट होगा? ऑटोमेटिक में स्टार्ट होगा। ओके, देन हो गया गेट थ्री। गेट थ्री अभी इसका रहे हम लोग इधर में 20 mm, और गेट फोर में हो गया आपका 10 mm। अभी गेट टू को छोड़ के बाकी तीनों गेट में कस्टमर डिपेंड करेगा कौन सा, और कस्टमर के चॉइस है। अच्छा अच्छा, लेकिन सिर्फ गेट टू के सेंड कॉमन है। अच्छा अच्छा, अभी दिन हो गया स्पेयर के लिए है, दिन हो गया हुटर, रिप्लेस करने से हॉर्न बजता है। स्पेयर में मतलब कि अभी कोई फंक्शन डाला नहीं है उसमें? हाँ, कोई फंक्शन डाला नहीं है। ठीक है, दिन हो गया स्कीप अप, स्कीप टॉप, स्टॉप एंड स्कीप डाउन। इसकी बॉटम पोजीशन में है बोल के इधर में सिग्नल इंडिकेशन आता रहेगा, आएगा। और स्किप टॉप पोजीशन में है, टॉप पोजीशन में जाएगा तो स्किप टॉप का इंडिकेशन, हां टॉप का इंडिकेशन आता रहेगा। देन अभी हो गए एडमिक्सर डोजिंग के लिए, इधर में टू ऑप्शन दिया हुआ है, कस्टमर दो डोजिंग सिस्टम कर सकता है, डोजिंग वन, डोजिंग टू, डोजिंग टू कर सकता। तो यहाँ पर अभी तो डोजिंग वन ही है, पंप सिस्टम लगा हुआ है, तो एक स्पेयर में रहेगा, स्पेयर में रहेगा। ये हो गया एडमिक्सर डिस्चार्ज के लिए। देन हो गया वाटर डोजिंग, वाटर डिस्चार्ज। ठीक है, अभी वाटर डिस्चार्ज में एक बटरफ्लाई वाल्व में माइक्रो स्विच लगा हुआ है, तो वो बटरफ्लाई वाल्व अभी क्लोज है बोल के इधर के इंडिकेशन दे रहा है। अच्छा, ये जब खुलेगा तब इंडिकेशन बंद हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, और ये इंडिकेशन नहीं आएगा तो वाटर डोजिंग नहीं होगा। अच्छा, जब तक वाल्व क्लोज नहीं होगा उसके इंडिकेशन पीएलएस में नहीं आएगा तो वाटर डोजिंग नहीं लगेगा। अच्छा, वहाँ पर मैनुअल में, वहाँ पर इंडिकेशन के लिए प्रॉक्सिमिटी स्विच जो भी लगा हुआ है, हाँ, वहाँ से इंडिकेशन आता है कि डोजिंग सिस्टम का गेट ओपन कंडीशन में है, गेट क्लोज कंडीशन, क्लोज कंडीशन में है, क्लोज कंडीशन में। ठीक है, सेम फॉर सीमेंट के लिए भी, सीमेंट का भी बटरफ्लाई वाल्व में सेंसर लगा हुआ है, उसका गेट क्लोज सिग्नल नहीं आएगा तो सीमेंट डोजिंग नहीं होगा। अच्छा, तो मैनुअल में दोनों में। अभी इधर में सीमेंट के लिए आप लोग तीन टाइप का सीमेंट यूज कर सकते हैं, ओबीसी, पीपीसी, फ्लाईएस, जो भी यूज कर। मतलब यहाँ तीन ऑप्शन है, जैसे अपना यहाँ पर अभी तो केवल हम पीपीसी यूज करेंगे, तो सीमेंट वन ही एक्टिवेट रहेगा, और लाइटिंग अरेंजमेंट रहेगा कि अगर स्क्रू कन्वेयर चल रहा है तो इसमें दिखाएगा कि स्क्रू कन्वेयर मटेरियल फीड हो रहा है, मटेरियल फीड हो रहा है। ठीक है, दिन हो गया आइस का भी ऑप्शन है, आइस डोजिंग, आइस है, किसी किसी प्लांट में आइस का भी रहता है तो आइस डोजिंग है, और सिल्का का भी डोजिंग होता है। तो यहाँ तो जनरली सिल्का के लिए कोई सेपरेट अरेंजमेंट नहीं है, तो सिल्का हम स्किप में ही डालेंगे, हाँ। जितना हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा हम स्किप में मैनुअली डालेंगे। देन हो गया ऑटो मैनुअल, ऑटो मैनुअल फॉर स्टार्ट द प्लान इन ऑटो मोड। इसको हम अगर प्रेस करके रखेंगे तो इधर में ऑटो ऑन सिग्नल आएगा। अच्छा, ये ऑटो ऑन सिग्नल आने के बाद ही प्लान ऑटो में स्टार्ट होगा। अच्छा अच्छा, ऑटो में स्टार्ट करने के लिए ऑटो स्टार्ट बटन को प्रेस करने से ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा, ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऑटो में स्टार्ट हो जाए, जो भी पैरामीटर सेट है, चाहे वो गेट वन टू थ्री, सब रिक्वायर टाइम में, गेट वन कितना देर में खुलेगा, गेट टू कितने देर में खुलेगा, सब ऑटो में सेट है, उसके ऑटोमेटिक वो फंक्शन लेता रहेगा। अगर मान लीजिए बीच में अगर जाम कंडीशन है तो
इसको स्टॉप को एक बार प्रेस करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे थोड़ा जामिंग आ गया, थोड़ा वाटर लेना है या गेट फोर से और थोड़ा मेटेरियल लेना है, तो ये आपका सिस्टम ऑटो में ही रहेगा, लेकिन वो आपका रिज्यूम हो जाएगा ऑटो। देन मेरा जो भी ऑप्शन है, गेट थ्रू, गेट थ्री, वाटर, एडमिशन, कुछ भी हो, मैं लेने के बाद फिर एक बार इसको प्रेस करना है ऑटो स्टॉप वाला, और एक बार फॉल्ट को प्रेस कर देना है, देन वो ऑटो मोड में फिर वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। मींस अगर मान लीजिए कि हमारा सैंड स्किप में नहीं जा रहा है, तो गेट नंबर टू में क्या माल फंक्शन दिखाएगा? गेट नंबर टू में माल फंक्शन दिखाएगा कि गेट टू बैचिंग टाइम एक्सीडेड बोल के। अच्छा, गेट टू बैचिंग टाइम एक्सीडेड बोल के वो कंप्यूटर में आएगा, कंप्यूटर में आएगा और जो अच्छा इस पैनल में आएगा। प्रेस करने से आपका फॉल्ट वाला जो है इधर में वो आएगा। ये है जो भी फॉल्ट वाला स्क्रीन है। अच्छा, जो भी फॉल्ट आएगा तो ये वाला स्क्रीन में शो करेगा। ये वाला स्क्रीन आएगा F5 प्रेस करने से। F5 प्रेस करने से जो जो फॉल्ट है उधर में शो करेगा। अच्छा, जैसे MCP गिर गया है। ओके, ये हो गया फॉल्ट रिसेट का। ये फॉल्ट रिसेट का काम यूज में कब आएगा? वही मान लीजिए कुछ फॉल्ट आया तो जैसे सीमेंट गए, सीमेंट नहीं आ रहा है तो दिखाएगा सीमेंट बैचिंग टाइम एक्सीडेंट। अगर हो जाएगा तब, जब नहीं आ रहा है तब जो फॉल्ट आएगा, जब सीमेंट जितना टारगेट था ले लिया उसके बाद फॉल्ट रिसेट कर देना पड़ेगा। और ये हो गया टॉलरेंस, जो मेटेरियल अगर एक्सेस ले लिया तो इधर में टॉलरेंस शो करेगा। अच्छा, इसको प्रेस करने से वो एक्सेप्ट होगा कि मैं टॉलरेंस को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, उसको हम मैनुअली डालेंगे कि ये एक्स्ट्रा और हमको डालना है? नहीं, ऑटो में कभी कभार मान लीजिए सैंड जैसे गीला रहता है ना, फटाक से आपका ज्यादा आ गया। 40 केजी लेना था लेकिन फटाक से 100 केजी गिर गया, तब तो टारगेट से ज्यादा हो गया ना, तो इधर में टॉलरेंस शो करेगा। अच्छा, देन हमको इसको आपका एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना है कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, जो आ गया आ गया है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये बटन को हमको प्रेस करना पड़ेगा, एक्सेप्ट कर लेगा वो। अच्छा, ये मोटा मोटा हो गया कि ये जितने भी बटन हैं वो फंक्शन में है, और यहाँ पर एक हो गया इसके बारे में थोड़ा सा मिक्सर, ये हो गया मिक्सर ऑन के। हाँ, और ये हो गया मिक्सर स्टॉप ऑफ के। ओके, और मिक्सर डायरेक्ट ऑन के लिए बगल में है। हाँ, बगल में है। अब जब ऑटो में चलेगा, ऑटो में चलने से जब भी मिक्सिंग टाइम में लाइट शो करे, मतलब मिक्सर ऑन होने से लाइट शो करेगा। शो करेगा। और नीचे में मिक्सर गेट, हाँ, मिक्सर गेट क्लोज एंड मिक्सर गेट ओपन, ओपन कंडीशन है। अगर ओपन है तो नीचे में शो करेगा, लाइट शो करेगा, क्लोज है तो क्लोज शो करेगा। ओके, स्टॉप के लिए ये इमरजेंसी स्टॉप बटन है, इसको प्रेस कर देने से आपका इमरजेंसी प्लान पैनल पूरा ऑफ हो जाएगा। पैनल ऑन करने के लिए ये है मेन स्विच। ये स्विच करने के बाद पूरा सप्लाई चला गया सब MCB में, लेकिन उसके बाद कंट्रोल ऑन करने के बाद ही 24 वोल्ट सप्लाई का ऑन होता है। अच्छा, आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी कि क्या क्या फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेशन का, जितने भी कीबोर्ड हैं उसका मतलब क्या होता है और कैसे वो फंक्शन करता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्त डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ हम बताएंगे सिमेटिक HMI का टोटल फंक्शन, उसमें क्या क्या फंक्शन होता है डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में। दोस्त अगर आप हमारा वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।